केजरीवाल की। केजरीवाल साहब का तो भगवान ही मालिक है जी। राजनीत के लिए बीजेपी ही अच्छी है। काम ही नहीं हुआ कुछ, काम हो तो देना उसको मौका। केजरीवाल जी सिर्फ मोम दोनों के चक्कर में लगा हुआ है जी। शाहीन बाग में जो वो हो रहे हैं जी, उसने पैसे की वो क्लिपिंग आती है 500-500 रुपए दे के, वहाँ पे उसने सिर्फ एक ही उसका एक ही सूत्री कार्यक्रम है, मुसलमानों को फैसिलिटी दो, बाकी किसी को फैसिलिटी ना दो। आज हम नहीं चाहते अगला प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं हुआ तो देश का नाश हो जाएगा। गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी पूरा टैंक मोटर चलाओ और आपको गंदा पानी मिलेगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओंकार मीडिया में और आज हम आए हुए हैं मानसरोवर पार्क में, जहां पे की जनता है, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो चुनावों को समझ रहे हैं। दिल्ली में चुनाव है, उससे पहले उनका क्या मूड है और किस तरीके की उनकी विचारधारा है और किसको वो इस बारी दिल्ली में एक बार फिर से मौका देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक माता जी हैं, उनसे बात करेंगे कि स्वेटर बुन रही हैं। तो माता जी, क्या नाम है आपका? इमरानी जैन। मैम, क्या लग रहा है आपको कि इस बार दिल्ली में चुनाव है, आप क्या समझते, कौन है जो? वैसे मैं तो बीजेपी तो और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके का उंका है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र जी। हरीश जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता, क्या मूड है, क्या लग रहा है? मूड तो हमें तो वैसे आम आदमी पार्टी का लग रहा है कि उनने इतने काम कर दिए लोग, उसकी तरफ सब हमने जब मीडिया वालों का देखे है ना, सर्वे हो रहा माहौल क्या है, तो हर आदमी ज्यादातर यही कहता है। हाँ, आपको क्या लग रहा है? तो मेरा अपना विचार है वही आएगा। अच्छा, और बीजेपी के क्या लग रहा है कि उनका कुछ है? नहीं, उनकी भी आएंगी, क्यों नहीं उनकी भी आएंगी, पर माहौल तो वैसे उसी के फेवर में लग रहा है, जैसे हम मीडिया का देखते हैं टीवी में, इस हिसाब से। और भी लोग हैं इधर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? गुलशन अरोड़ा। गुलशन जी, क्या लग रहा है इस बार आप मानसरोवर पार्क गए, क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? यहाँ समस्याओं का अंबार है। यहाँ की जो विधायिका थी वो 4.5 साल यहाँ पे क्षेत्र में नजर नहीं आई। अंतिम 6 महीने में उन्होंने जो 4.5 साल का काम करने की कोशिश की, उसके वजह से सड़कें टूटी पड़ी हैं सब जगह पर। तो इस तरह पब्लिक मतलब आखिरी के 6 महीनों में काम जी, पानी गंदा आता था। अच्छा, अब भी आ रहा है? हाँ जी, काफ़ी बार कंप्लेंट की, उसके बाद जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा लोगों को। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कि चुनाव है, क्या मूड है यहाँ की जनता का, क्या आप लोग किसको? भाई साहब, इस क्षेत्र में तो जितेंद्र महाजन जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। 5 साल इस बार चुनाव नहीं जीते थे पिछली बार, जब भी 5 साल लगातार जनता के सुख दुख में जो है सक्रिय रहे हैं, बिल्कुल हर आदमी के सुख दुख में आते थे और हर समय क्षेत्र में सक्रिय रहे। तो केजरीवाल जी के विधायक नहीं आते? मैं आपको बता रहा हूँ, 4.5 साल यहाँ नजर ही नहीं आए। नजर ही नहीं आए? हाँ जी, लास्ट के 6 महीने में उन्होंने सक्रियता दिखाई है, 6.5 साल नजर, 4.5 साल नजर नहीं आए। और जितेंद्र महाजन जी 5 साल सबके सुख दुख में, किसी का भी सुख दुख हो, किसी ने फोन किया के बुलाया तो स्कूटी लेके तुरंत आ जाते हैं उठा कर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर है। सर, क्या लग रहा है इस बारे में, किसको वोट देंगे इस बारे दिल्ली? देखो, वोट की बात ये है कि जो हमारे जितेंद्र महाजन जी है, हमारे जो रोहतास नगर से जो प्रत्याशी है, वो एक उनकी छवि अलग है, एक ईमानदार आदमी, काम करने वाला आदमी, मेहनती आदमी। जब वो फर्स्ट टाइम जीते थे, उनको 1 साल का समय मिला और 1 साल में जो लोगों में उन्होंने राज किया, 1 साल में सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। और आज भी उनकी ये है कि बेशक से वो विधायक नहीं थे, बेशक से गवर्नमेंट नहीं थी, उसके बाद भी हमेशा तत्पर रहे। और कुछ छोटा मोटा आम आदमी पार्टी वाला नहीं, आम आदमी पार्टी का देखो, हमारे यहाँ तो आप देख सकते हो, ये आप पार्टी देख लो, यहाँ देख लो, आम आदमी पार्टी का तो जब विधायक ही यहाँ नजर नहीं आएगा तो बताओ काम कैसे होगा। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं अच्छे बीते 5 साल, आपके कैसे? नहीं, केजरीवाल जी कहेंगे अच्छे बीते, ऐसा हर नेता कहता है। और उनके अपने बीते हैं ना जी 5 साल। आपके कैसे बीते? हमारे तो बहुत बुरे बीते हैं जी, हमारे क्षेत्र की समस्याएं इतनी ज्यादा थी, तो दूर दूर तक कहीं विधायिका का नामो निशान नहीं था। केजरीवाल अपना प्रचार करने में जुटे हैं। आपकी बार फिर वोट मांगने आएंगे तो फिर क्या? वो आएंगे ही नहीं, उन्हें पता है वो आएंगे ही नहीं, वो अपना बाहर से जो प्रचार कर रहे हैं ना बोर्डों के द्वारा, उसी से वोट मांग रहे हैं वो क्षेत्र नहीं, वो इसीलिए नहीं आएंगे, उन्हें पता है, वो खुद को नहीं पता होता कि वो आएंगी नहीं, वो उन्हें पता, मैं पहले 4 साल 5 साल 4.5 साल गई नहीं हूँ। जो कहते थे कि भाई उन्होंने कहा कि हमने जो जो मैनिफेस्टो में कहा था सारा कुछ किया, रिपोर्ट कार्ड में जारी किया, वो उनके हिसाब से हुआ है जी, पब्लिक के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों को मतलब कुछ फ्री पानी फ्री बिजली दे रहे हैं? हमें कोई लाभ नहीं है, लालच नहीं है जी, हमारी हमारी हड्डियाँ कमजोर कर देंगे वो जो 2-4 महीने लड्डू खिला के ना, फिर शुगर हो जाएगी,
तो इसलिए ये अच्छा है कि हम अपनी मेहनत का खाएं, अपने मेहनत का कमाएं, अपनी मेहनत का खाएं। तो आप लोग बिल्कुल खुश नहीं हो? पानी आज भी जो है गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी, पूरा टैंक मोटर चलाओ और आपको गंदा पानी मिलेगा डेली खारा तो आ रहा है, जो सारा तो नीचे का आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो टूंटी का पानी है उसके अंदर हरा हरा लाल लाल ऐसे ऐसे आइटम आते हैं। तो कभी आप लोगों ने मतलब कंप्लेंट नहीं की? विधायक कंप्लेंट नहीं की, बहुत बार की है। क्या कोई सुनवाई नहीं? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं इस बात का। उन्होंने कर दिया, हमने टेलीफोन पे भी कर दिया, जाकर के खुद भी करे, लेकिन पानी गंदा आने से नहीं रुका है। जल बोर्ड तो केजरीवाल के अंडर में है, कुछ काम नहीं हुआ तो फिर इस बार वोट मांगने? नहीं, हम तो बीजेपी को देंगे, बीजेपी एक कैंडिडेट है हम तो। अच्छा, बीजेपी को देंगे? बिल्कुल बीजेपी। सर क्या वजह है कि मतलब 5 साल दोबारा मौका देने की नहीं है कि मतलब काम ही नहीं हुआ? कुछ काम हो तो देना उनको मौका। जब वो तो कह रहे हैं हमने 5 साल काम के लिए बीते ना, उनके पास भी सब कुछ बीते, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। केजरीवाल जी सिर्फ मोम डोनों के चक्कर में लगा हुआ है जी। शाहीन बाग में जो वो हो रहे हैं जी, उसने पैसे की वो क्लिपिंग आती है 500-500 रुपए दे के, वहाँ पे उसने सिर्फ एक ही सूत्री कार्यक्रम में मुसलमानों को फैसिलिटी दो, बाकी किसी को फैसिलिटी ना दो। हाँ, शाहीन बाग की भी और की वीडियो क्लिपिंग आई हुई है 500-500 रुपए देकर, और वहाँ पे डेली के जिस भी मतलब बंदे इकट्ठे हैं। और जब बिजली बिल या पानी फ्री किया तब तो नहीं ऐसा? अभी पहले 4 साल तक तो वो ये कहते रहे जी मोदी जी काम करने नहीं रहे, गवर्नर साहब काम नहीं करने। अब 6 महीने में कैसे उसने जादू की छड़ी फेर दी, क्या सारे काम कर दिए? पहले तो बढ़ा दिया मीटर का लोड, बढ़ाया पहले उसने, अब वो घटा दिया लोड, ये काम थोड़ी 6 महीने बाद फिर बढ़ जाएगा। पहले कहते हैं शीला दीक्षित की इतनी मोटी मोटी फाइल है, जेल भेजूंगा जेल भेजूंगा, आज तक तो उसने किसी को जेल भेजा नहीं जी। किसको? उसकी खुद की फाइल तैयार है वो, कि उसने क्या किया है? बिल्कुल तैयार है उसकी खुद की फाइल तैयार है वो। क्या लगता है कि वो अपने मियां मिट्ठू वाली बात है जी उसकी, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है मोहम्मदन को, वो सोचता है कि उसकी वोट सिर्फ वही है, हिंदू कोई वोट नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद है ये प्रवेश शर्मा जी, वो सुबह सुबह स्कूटी उठाते हैं, पूरे क्षेत्र का दौरा करते हैं, लोगों से पूछते हैं सड़क पे चलते हुए क्या समस्या है, और हमारी विधायिका आज तक कभी ऐसे नजर नहीं आई। 4 साल में एक बार भी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए वो, 4.5 साल एक बार भी नहीं आई है। अब जो है किसी का मर गया, कोई मतलब कोई बुजुर्ग मर गया तो वहाँ पहुँच रही है गाड़ी लेकर के, काफिला लेकर के पहुँच रही है। 6 महीने के अंदर सब कुछ याद आ गया, 4.5 कुछ साल कुछ याद नहीं कि जनता है रोहतास नगर उनका विधानसभा क्षेत्र है, कुछ नहीं। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से जनता जो है कह रही है कि 4.5 साल तक कोई नजर नहीं आया और अब 6 महीने से नजर आ रहे हैं। तो सर इस बार 8 फरवरी को वोटिंग होगी, उसके बाद क्या चाहते हैं कि कौन कमल आप क्या चाहेंगे सर? दिल्ली में बीजेपी की सरकार, निगम पार्षद भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का, क्षेत्र का विकास होगा तभी विकास होगा, आप समझते हैं? राष्ट्र का विकास भी है जिसके अंदर, ये राष्ट्र का भी है, ये स्थानीय मुद्दा नहीं है, राष्ट्र का ही मुद्दा है इसके अंदर। ये सर्जिकल स्ट्राइक के कभी सबूत मांग रहा है, कभी कुछ कह रहा है जी, इसका कोई दीन ईमान कुछ नहीं है जी। ये मफलर पहन के आराम से सिर्फ पब्लिसिटी करता है और कुछ नहीं करता ये। दिल्ली में मतलब अगर राष्ट्र की बात हो रही है तो दिल्ली में केजरीवाल जी जो है वो कह रहे हैं हम भी विकास कर रहे हैं, हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। सही कह रहे हैं, वो अपना विकास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं बीजेपी। वो समझ रहा है जो अपने जमा किए हुए हैं ना उसको काम समझ रहा है, वो उस बात के कह रहा है मैंने जमा कर लिया मुझे वोट दे दो। मैं तुम्हें वो कह रहे हैं दे रहा है ना शाहीन बाग वालों को हमारे सर पे बिठा रहा है वो, ये आधी आबादी ऐसे बिठाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ाता हुआ ये हमारे सिर पे बिठा देगा सबको। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम काम पे वोट मांग रहे हैं और बीजेपी जो है नाम पे मांग रही है मोदी जी। काम के नाम से वोट मांग रहा है, दाम दे के वोट मांग रहे है तो किसी को पता नहीं। अब सरिता सिंह के वहाँ पे गए थे 50-60 लोग थे, सारे पैसे दे के वहाँ पे वो थी, और आज जितेंद्र महाजन वहाँ पे जी ये नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए थे जब, जितेंद्र महाजन के साथ कम से कम 4-5 हजार की यहीं के लोकल लोग थे साथ में। अच्छा, हाँ जी, नॉमिनेशन के लिए आज अगर उसकी आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या क्या है। मतलब कि सरिता जी के जो है आम आदमी पार्टी से है और उनके साथ अभी कोई नहीं था, 50-60 लोग थे जी सबको पता है, पेड़ सारे थे, पेड़ वाले थे, महाजन जी के साथ कार्यकर्ता नहीं थे, क्षेत्र के लोकल लोग थे, अपनी मर्जी से जो पहुंचे हुए थे वहाँ पर। अच्छा, तो आप अपना मुख्य विरोधी क्या समझते हैं कि बीजेपी दिल्ली में ज्यादा अच्छी है कांग्रेस या आम आदमी विकास? बीजेपी ही अच्छी है जी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे अपने के अलावा राष्ट्र को भी देखना है जी, राष्ट्र के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सबसे उच्च मतलब बढ़िया है। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल साहब का तो भगवान ही मालिक है जी, केजरीवाल भी तो अच्छा ही खुद अच्छा होगा, व्यक्तिगत तौर पर अच्छा हो सकता है लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं है जी। केजरीवाल बढ़िया है, हम पार्टी सारी बढ़िया होती है पार्टी का, तो केजरीवाल
नहीं, पार्टी सारी बढ़िया है, पार्टी तो कोई बच्चे कोई कौन सी बेकार पार्टी है, लेकिन ये जो काम कर पार्टी वो बढ़िया है। जनता के लिए कौन? जनता के लिए तो बीजेपी बढ़िया है, जब बीजेपी काम कर जनता के लिए, बिल्कुल के लिए बीजेपी ही बढ़िया है, राष्ट्रहित के लिए बीजेपी ही अच्छी है। आने वाले टाइम में हम तो नहीं देख पाएंगे या हमारे, लेकिन जो ये मुसलमानों ने कर रखा है, जो केजरीवाल कर रहा है, जो कांग्रेस कर रही है, वो सब जो है ना आगे जाकर के यही होगा जो अब शाहीन बाग में हो रहा है, वो पूरे देश के अंदर होगा, पूरे देश के अंदर होगा, पूरे देश, ये पूरे देश के अंदर होगा। ये हमारे सिर पे बिठाएगा इनको लाके, ये बिल्कुल बिल्कुल भी हमारे बहुत खिलाफ है ये, मोहम्मदन को, मोहम्मदन को अगर आज हम नहीं चेते, अगला प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं हुआ तो देश का नाश हो जाएगा। तो बहुत ये दिल्ली की बात थी और दिल्ली से प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गई, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम काम पे मांग रहे हैं और भाजपा नाम पे मांग रही है। और जो रोहतास नगर विधानसभा है और ये मानसरोवर पार्क है, यहाँ की ज़मीनी समस्या वही है कि यहाँ पर विकास की बात नहीं हुई, 4.5 साल तक विधायक नज़र नहीं आते हैं, और जब आखिरी के 6 महीने बचते हैं तो वो विधायिका हर कार्यक्रम में पहुंचती है और हर काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, और वो अधूरे काम अभी तक है क्योंकि चुनाव आ गए सर पे और काम रह गए अधूरे। अंकल जी कह रहे हैं पानी की भी बहुत बड़ी पानी की सबसे बड़ी समस्या है कि पानी गंदा आ रहा है, खारा पानी आ रहा है, और उसमें बीमारियाँ मतलब नहाते हैं तो उसको बीमारियां मतलब पकड़ लेती हैं कभी। पानी की 200 रुपए का पानी फ्री दे के हमारी 1000 रुपए की दवाई के पैसे लगवा देता है वो। देख रहे हैं आप किस तरीके से 200 रुपए का पानी देके 1000 रुपए की दवाई की बात कह रहे हैं अंकल जी। कैमरा पर्सन अफजल खान के साथ पवन कुमार जुनेजा, ओंकार मीडिया, रोहतास नगर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।